Hi everyone, hope all of you fit and fine. Our best time for creativity. जी हाँ, जैसे कि आपने एक टॉपिक देखा है कोरोना वायरस के पॉजिटिव इफेक्ट. सो बेस्ट टाइम है फाइंड योर पैशंस. और अभी हम घर पे हैं, कहीं निकलना नहीं है. सो टाइम टू लर्निंग. सो अब सवाल उठता है कहाँ सीखे, कैसे. सो यस गाइज, आज इन डिज़ाइंस बाय मिराज के साथ आप घर पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी थिंग्स, न्यू क्रिएटिविटी सीखेंगे. सो टाइम टू लर्न. और इस वीडियो में आप मेरे साथ सीखने वाले हैं डिज़ाइनिंग, स्केचिंग, फैशन इलस्ट्रेशन, साथ में आप सीखने वाले हैं एम्ब्रॉयडरी और बहुत सारे सरप्राइज है. सो इसके लिए आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए. सो यस, दिस इज सारा मिराज खान, फैशन डिज़ाइनर, ट्राइबल आर्टिस्ट और आपकी दोस्त. मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ बहुत सारे क्रिएटिव थिंग्स जो आप घर में सीख सकते हैं. कॉफ़ी पेंटिंग है, फैशन डिज़ाइनिंग्स है और बहुत सारे सरप्राइज. इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहना है. सो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं क्या सरप्राइज है आप लोगों के लिए. भी टाइम है तो क्या क्या सीखने वाले हैं. सो हम सीखेंगे फैशन डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, फैब्रिक पेंटिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग एंड पैटर्न मेकिंग और डिज़ाइनिंग फील्ड के वो तमाम टेक्निकल थिंग्स एंड क्लासेस एंड लॉट ऑफ थिंग हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में. सो शुरुआत मैं करूँगी यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग के कुछ फंडामेंटल्स, फैशन डिज़ाइनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट्स की, फैशन डिज़ाइनिंग को किस तरह से मेक योर पैशन योर प्रोफेशनल. और जी हाँ गाइज, फैशन डिज़ाइनर ही एक ऐसा क्रिएटिव फील्ड है कि आप यू नो घर पे भी सीख सकते हैं. आप डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए, बट अभी जो है टाइम टू यूज़ योर यू नो क्रिएटिविटी, टाइम टू यूज़ योर टाइम टू यूज़ योर पैशंस. जी हाँ, आपके पास अभी फ़िलहाल काफ़ी टाइम है और आप घर पे हैं. सो फ्री ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग कोर्सेज कीजिए मेरे साथ. तो मैं आज इस वीडियो में बताऊँगी फैशन इलस्ट्रेशन की शुरुआत कैसे करें, फैशन इलस्ट्रेशन फैशन डिज़ाइनिंग में कितनी इम्पॉर्टेंट है और फैशन डिज़ाइनिंग की जो पहली क्लास है, जी हाँ पहली क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है. और यहाँ पे भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी जिसमें आप सीखेंगे थीम बोर्ड और उसका क्या इम्पॉर्टेंट होता है फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन इलस्ट्रेशंस के लिए थीम बोर्ड का. और भी साथ में आपको सिखाऊंगी कि थीम बोर्ड के साथ इलस्ट्रेशन जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट रखता है. तो बिना देर के हुए अब शुरू करते हैं टाइम टू लर्न डिज़ाइनिंग की पहली क्लास. और उसके बाद भी बहुत सारी क्लासेस होंगी, पर कहीं जाइएगा मत, चलिए शुरू करते. चलिए तो कंग्रेचुलेशंस, हमारी पहली क्लास शुरू हो गई. इसके लिए ज़रूरी है यू नो आपका गुड आई कैचिंग, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी स्प्रिट, आपको टूल्स की नॉलेज कितना है, आप क्वालिफिकेशंस में किस तरह से आगे बढ़े हैं और बहुत सारी स्किल है जो इस फील्ड में सक्सेस दिलाएगी. सो वन बाय वन डिटेल्स में आगे वीडियो में बताऊँगी. इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर कितनी क्रिएटिव पॉइंट्स हैं, आपको डिज़ाइन का कितना समझ है, ओवरऑल आप क्या समझते हैं डिज़ाइनिंग को लेके. ये सारे डिटेल्स वन बाय वन दे रही हूँ मैं यहाँ पे. और एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन जो है जिसमें पॉइंट, लाइन, शेप, फॉर्म, ये सारी इंपॉर्टेंट है. आपको प्रैक्टिस करना है इस वीडियो के साथ, लाइंस की प्रैक्टिस करना है. दिस इज़ द फर्स्ट क्लास गाइज, आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन की प्रैक्टिस करनी है, कलर की प्रैक्टिस करनी है. आपके पास कलर्स होंगे, निकालिए फटाफट कलर्स और प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स, मिक्सिंग कीजिए. दिस इज़ द ऑल इज़ फर्स्ट क्लास गाइस. और आप शेप के बारे में नॉलेज लीजिए, आप डिफरेंट टाइप ऑफ शेप की प्रैक्टिस कीजिए. दिस इज़ द फर्स्ट क्लास, मैं बार बार बोल रही हूँ दिस इज़ द फर्स्ट क्लास. ये सारे जो आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन, ये जो देख रहे हैं शेप्स, लाइन, टेक्स्चर्स, इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको तब तक जब तक आप परफेक्ट ना हो जाएं. ये सारे इलस्ट्रेशन की बिगनिंग क्लासेस है जहाँ पे आप सीखते हैं फैशन इलस्ट्रेशन क्या है, शेडिंग, फिगर, फेस, क्लोथ, रेंडरिंग, टेन हैंड फैशन फिगर कैसे बनाना है.
ये सारे डिटेल्स आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत प्यारा फैशन इलस्ट्रेशन है और ये फैशन इलस्ट्रेशन आज मैं आपको सिखाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, चाहे आप फर्स्ट टाइम ही क्यों ना बना रहे होंगे। बस गाइज इसमें जो इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आपके सामने हैं। जैसे आप देख रहे होंगे ब्लैक जेल पेन है, पेंसिल्स है, कलर पेंसिल है, स्केल है जिसकी हम यूज़ करेंगे स्केलिंग के लिए। और जो आप सामने देख रहे हैं ये फैशन फिगर मैंने बनाया हुआ है और इसकी साइज़ है 10.5। और साथ में आप देख रहे होंगे आपके लिए ही मैंने एक सिंगल स्ट्रेट लाइन मेंशन की है। अब यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, लेकिन ये सब बनाने के लिए आपको प्रीवियस में जो मैंने बताया था लाइन, टेक्स्चर्स, शेप, इन सब की प्रैक्टिस करनी है। और इस इलस्ट्रेशन की पूरी डिटेल्स मेरे प्रीवियस वीडियो में है, आप वहाँ से भी बहुत आसानी से सीख सकते हैं। गाइज यहाँ पे देखिए मैंने ब्लैक वाटर प्रूफ जेल पेन जो है उसकी सहायता से मैं यहाँ पे शेप में कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर फील कर रही हूँ। बिफोर में जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको टेक्सचर्स की प्रैक्टिस करनी है, लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जब भी हम डिज़ाइनिंग की कोर्सेज करते हैं। चूँकि मेरी भी फर्स्ट क्लासेस में मुझे अभी तक याद है हमें प्रैक्टिस कराया गया था लाइन की, डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्सचर्स की, डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्सचर इस मीन्स स्क्वायर, रेक्टेंगल, सिलेंडर, ये तमाम जो शेप्स हैं उनकी प्रैक्टिस कराई गई थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो फैशन इलस्ट्रेशन मैंने बनाया बहुत लिमिटेड कलर में बनाया है। वैसे हमेशा मैं कोशिश करती हूँ मेरी जो फैशन इलस्ट्रेशन हो डिफरेंट काइंड ऑफ आइटम्स एंड इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके मैं फैशन इलस्ट्रेशन हमेशा बनाती हूँ। एज ए फैशन डिज़ाइनर मेरा करियर 8 और 7 ईयर्स के कम्प्लीट हो चुके हैं और अभी तक मैंने, बिलीव कीजिएगा, मैं कभी अपने सारे इलस्ट्रेशंस की वीडियो अपलोड करूँगी काफ़ी हैं, इट्स मीन्स काफ़ी, काउंटिंग नहीं है, 1000 के करीब की होंगी। बिकॉज एज ए डिज़ाइनर अभी भी मैं एवरी डे एक फैशन इलस्ट्रेशन बनाती हूँ। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको लगता है वाकई ये यूज़फुल टिप्स हम सीख रहे हैं, तो औरों के साथ भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने काफ़ी चीज़ों की प्रोमिसज़ किए हैं आपको सिखाने के लिए और आप मेरे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो मैंने तमाम वीडियो अपलोड्स किए हुए हैं। सो गाइज यहाँ पर देखिए मैंने कितने आराम से टेक्सचर्स के ही माध्यम से मैं ये इलस्ट्रेशन बना रही हूँ। इस इलस्ट्रेशन बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि जो मैंने प्रीवियस में कहा है, प्रीवियस में बताया है कि हमें प्रैक्टिस करनी है, एवरी डे प्रैक्टिस करनी है, एवरी डे लर्निंग मोड में आना है। सो कोरोना वायरस ने जो टाइम दिया हुआ है, जो उसके पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं सराउंडिंग में, एवरीवन एट होम, और हमें ये बिल्कुल सही समय मिला हुआ है अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करने का, अपना टैलेंट, अपना पैशन को फोकस करने का। सो गाइज यस, अगर आप रियली क्रिएटिव हैं, रियली आपको कलर पसंद है, रियली आप फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में आगे आना चाहते हैं, तो आपको मेरे इस चैनल के साथ फैशन डिज़ाइनिंग को भी फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए, कोई नहीं रोक सकता। और सबसे बड़ी बात, इंक्रीज़ कीजिए योर टैलेंट, इंक्रीज़ कीजिए योर क्रिएटिविटी मेरे इस चैनल आज इन डिज़ाइन बाय मिराज के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं मेरा हमेशा से ये वादा रहा है कि आपको हमेशा एक नया स्किल सिखाऊं, न्यू टेक्निक्स बताऊं फैशन डिज़ाइनिंग के, डिज़ाइनिंग फील्ड्स की वो तमाम बारीक की बातें बताऊं जो आपको डिज़ाइनिंग में, क्रिएटिविटी में, आपके स्किल डेवलपमेंट में, यस गाइस स्किल डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट हो और आप बेहतरीन तरीके से अपने ड्रीम के करीब डे बाय डे पहुंचते जाएं। बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन हैव अ ड्रीम गाइस, कोई डिज़ाइनर बनना चाहता है, कोई आर्किटेक्चर बनाना चाहता है, किसी के बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं और अभी वो सही समय है, आप घर में हैं, आप अपनी वो सारे थॉट प्रोसीजर को रिकनेक्ट कीजिए अपने माइंड से और वन बाय वन रिमाइंड कीजिए कि एक्चुअली में आप क्या चाहते थे इतने सालों में। अगर रियली में आप डिज़ाइनिंग बनना, आपको डिज़ाइनिंग में आगे आना है, आप डिज़ाइनर बनना चाह रहे हैं, आप डिज़ाइनिंग फील्ड में अपना कुछ नाम कमाना चाह रहे हैं, तो गाइज आपको पता ही होगा फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी स्पेन एनी मनी आप सीख सकते हैं मेरे इस चैनल के साथ फैशन डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, पेंटिंग, डिज़ाइंस, इलस्ट्रेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न मेकिंग, एलिमेंट ऑफ डिज़ाइंस, डिज़ाइनिंग फील्ड की तमाम चीज़ें आप मेरे साथ सीख सकते हैं, जी हाँ, आर्ट एंड डिज़ाइन बाय मिराज के साथ। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बार और डिटेल्स में बता दिया है
कि मैंने फैशन इलस्ट्रेशंस में इलस्ट्रेशन किस तरह से बनाते हैं पॉइंट में आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और भी मेरे प्रीवियस वीडियो हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि 10.5 जो हमारा स्केलिंग है उसमें हमें किस तरह से इलस्ट्रेशन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं किस तरह से पिंक कलर की शेडिंग से रेंडरिंग कर रही हूँ। रेंडरिंग एक प्रोसीजर है जब भी हम इलस्ट्रेशन बनाते हैं, उसमें जब हम ड्रेस इलस्ट्रेट करते हैं तो उसमें हम जब कलर फिल करते हैं उसे हम रेंडरिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही लिमिटेड कलर से एक बहुत ही खूबसूरत इलस्ट्रेशन बनाया है, और थीम इसका बहुत सीक्रेट है ये, बिकॉज एक आने वाले शो का डिज़ाइंस है, और गाइस डेफिनेटली ये जब ड्रेस और ये आउटफिट रेडी होंगे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, और मुझे यकीन है कि मेरे इस वीडियो के साथ आपको बहुत सारी बातें सीखने को मिली होंगी। सो जैसा कि मैंने वादा किया है, एम्ब्रॉयडरी, पेंटिंग, डिज़ाइंस, इलस्ट्रेशन वो सारे वन बाय वन आपको सिखाऊंगी। गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये जो हमने शुरुआत की है कि इस टाइम जो हमारे मिला हुआ है उसमें हम नए क्रिएटिविटी कैसे कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, मैं वन बाय वन बताऊंगी। फ़िलहाल ये इलस्ट्रेशन हम कंप्लीट करने के मोड में आ चुके हैं, और अगेन यहाँ पे देख रहे होंगे मैंने कलर्स लिया हुआ है, और जो कलर्स मैंने लिया हुआ है उसका भी मेंशन किया हुआ है कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, ये आप बताएं क्योंकि अभी तक आपने मेरे बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। सो गाइज अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और दिल से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।